नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय IIT में छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। प्रदर्शनकारी छात्र पिछले 12 घंटों से धरने पर बैठे थे। मामला एक छात्रा से छेड़खानी का था। बुधवार देर रात घटना के विरोध में हजारों छात्र धरने पर बैठ गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने निर्देशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर राजपुताना हॉस्टल के बाहर नाराज छात्रों का झुंड पहुंचा और लंका थाने में 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आंदोलन की आज डायरेक्टर दफ्तर तक भी पहुंच गई। बता दें, डायरेक्टर ऑफिस के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। डायरेक्टर से मुलाकात की जिद पर अड़े छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। वही प्रदर्शनकारी छात्र डायरेक्टर से मुलाकात कर सुरक्षा की गारंटी चाहते थे और छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सरकार के खिलाफ निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि क्या अब BHU परिसर और IIT जैसे शीर्ष संस्थान भी सुरक्षित नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक छात्रा का अपने ही शिक्षण संस्था के भीतर निर्भय होकर पैदल चलना क्या अब संभव नहीं रहा है? धिक्कार है। मामले ने तूल पकड़ने के बाद IIT प्रशासन ने आंदोलन छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। बातचीत में छात्रों ने कैंपस में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। आखिरकार IIT प्रशासन को आंदोलनकारी छात्रों की बात माननी पड़ी है और सहमति बन जाने के बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की है। छात्रों ने प्रशासन के सामने 7 सूत्री मांगे रखी थी। IIT कैंपस को अलग करने का भी प्रशासन के सामने मुद्दा उठाया गया। IIT प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग से सहमति जताई है। समझौते के मुताबिक IIT कैंपस में बाहरी तत्वों की एंट्री को बैन कर दिया गया है।